दोस्तों YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद सुशील कुमार के संग। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि पिटोनिया के बीज को कैसे आप निकाल के रखें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर है पिटोनिया के बीज और इसे किसी कैंची के सहारे से यहाँ से देखिए, ये देख रहे हैं ये पिटोनिया के बीज है। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ से पहले इस तरह से काट लीजिएगा। काटने के बाद दोस्तों एक सादा पेपर इसमें ले लीजिएगा, इस तरीका से लेने के बाद देखिए इसे ऐसे मोड़िएगा, हवा से उड़े नहीं। और ये देखिए ये आपका बिल्कुल इस तरह से सारे बीज निकल जाएंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से सारे बीज निकल जाएंगे। ये इसे हटा देना है, इसे नहीं रखना है दोस्तों। इसको जहाँ जहाँ बीज हो वहाँ वहाँ से आप कटिंग करके निकाल लें। मैं और दिखा रहा हूँ कहाँ है, इस तरफ है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर है, यहाँ से भी ऐसे कटिंग करके ऐसे निकाल लीजिएगा। और ये देखिए निकालने के बाद इसको इस तरह से, इसमें मुंह होते हैं, इसको ऐसे मुंह को फाड़ के ऐसे पहले कर लीजिएगा और ऐसे गिराइएगा किसी भी कागज पे पेपर पे। इस तरह से आप करेक्ट करके आप रख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए ये बिल्कुल पके हुए बीज हैं पिटोनिया के, और हर प्रकार के हर कलरों में मिलेंगे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से करके और आप कैसे रखें इसे। देखिए अभी हवा उड़ रहा है और इसे एक शीशे के बर्तन में, एक शीशे के ऐसे बर्तन ले लीजिएगा जिसमें हवा ना लगे। ये देखिए मैंने ये एक बाज़ार से लाया था शीशे का, और इसमें इस तरह से करके मैं रख दूँगा। ये देखिए इस तरह से रख दूंगा हर कलर में। ये देखिए जो नीचे गिर गए हैं उसे भी मैं उठा के इसमें इस तरह से रख के और इसको ये रबड़ वाला ठिपी से इसे बंद कर दूंगा। इसे जब जब इसका बीज निकलेगा दोस्तों आप इसी तरह से इसका कटिंग करके बीज को शीशी में आप जमा करके रख सकते हैं। अब मैं दूसरा पिटोनिया का आपको बीज निकाल के दिखाता हूँ। ब्लू कलर में है, ये भी मैं आपको बीज दिखा रहा हूँ कि बीज कहाँ पर है। देखिए दोस्तों यहाँ बीज है, ये देखिए, देखिए यहाँ भी बीज है, यहाँ भी बीज है। मैं यहाँ काट के आपको दिखा रहा हूँ। आप हर कलर में दोस्तों आप बिल्कुल रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद इसमें ऐसे कीजिएगा, इसमें बीज गिरने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए एक में कम से कम 100 बीज तो जरूर हो जाते हैं दोस्तों इस तरह से। अभी मैं और निकाल ले रहा हूँ। ये देखिए इसमें से भी इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। कटिंग करके फिर इसको इस तरह से आप जमा करके रख सकते हैं बिल्कुल ऐसे। ये देखिए बिल्कुल ये आपके अपने बीज हैं दोस्तों, और ये बीज कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसी तरह से शीशा के बर्तन में रख सकते हैं, इसमें बिल्कुल बहुत सुंदर बीज हो जाएंगे। ये देखिए अभी और निकाल रहा हूँ, और निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। और ये है, ये देखिए इसे भी ऐसे कटिंग करके निकाल लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसमें ढेर सारे बीज है। ये देखिए और भी बीज हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे बीज होते हैं। आप जब जब सूखता जाए तब तब आप इसे निकालते जाइए। देखिए ये बिल्कुल सूख गया है, इसे निकाल ले, खड़ा और कच्चा ना निकाले दोस्तों। और इस तरह से निकाल के आप ऐसे इसको ऐसे खोलेंगे, ये खुल जाएगा।
और ये जैसे करेंगे ऐसे ये गिरना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, और भी मैं हर कलर में आपको निकाल के बीज दिखा रहा हूँ। ये ब्लू कलर का है, और फिर आप एक शीशी में रख लें जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा कलर हम कहाँ रखें। ठीक है दोस्तों, और कलर आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी दोस्तों देखिए, यहाँ भी बीज हैं, ये हैं, ये देखिए बिल्कुल। और देखिए यहाँ से भी मैं एक निकाल रहा हूँ काट के इस तरह से, और ये देखिए ये देखिए ढेर सारे बीज हैं। एक में कम से कम दोस्तों 100 से ऊपर बीज हो जाते हैं, ये देखिए इस तरह से। और आप एक बार पिटूनिया को अगर लगा लें तो बहुत सारे बीज आपके हो जाएंगे। ये देखिए कितने सारे हैं, बहुत सारे बीज हैं दोस्तों एक में। इसी तरह से निकाल के आप बिल्कुल एक शीशी के बोतल में रख सकते हैं दोस्तों। ये वही पिटूनिया है दोस्तों जो मैंने पहले इसमें लगाया था। अभी मैं आपको और भी बीज निकाल निकाल के दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने इस शीशी में इसे रख दिया है और बिल्कुल ऐसे ढक्कन लगा दूंगा। ये देखिए, देखिए एक यहाँ है, इससे मैं कटिंग करके निकाल लेता हूँ। ये हो गया, इसे मैं यहाँ रख रहा हूँ, फिर और कटिंग कर लेता हूँ। एक यहाँ है, आप इसमें देख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ देखिए ये भी सूखे में है बिल्कुल। जब भी काटिएगा दोस्तों सूखा हुआ पौधा, ये देखिए यहाँ रख रहा हूँ एक, और भी है, और ये है, ये है, ये देखिए दोस्तों। आप इस तरह से इसके बीज को निकाल के बिल्कुल ऐसे रख सकते हैं। देखिए एक में बहुत सारे बीज हो जाते हैं दोस्तों, कम से कम 100 से तो ऊपर जरूर होंगे। ये देखिए दोस्तों, एक बार पिटूनिया का पेड़ लगा देने पर आपको बीज को खरीदने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और ये देखिए बहुत सुंदर बीज आपके सामने ही निकाल रहा हूँ। ये देखिए इतना साफ, इतना अच्छा, और ये जरूर पता चल जाता है दोस्तों कि हमने कौन कौन सा कलर निकाला है। आप बिल्कुल एक शीशी में इस तरह से रख लें और उसमें जो भी कलर रखें उसे आप लिख लें। ये देखिए दोस्तों, आप इसी तरह से सारे बीज को कलेक्ट करके रख सकते हैं दोस्तों। ये पहला ही वाला पिटूनिया था, जो पिछला वीडियो आप देखना चाहें तो आई बटन पे आप क्लिक करके बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए दोस्तों वही पोट में मैं लगाया हूँ, देखिए कितना छोटा में कितना बड़ा कितना घना हुआ है दोस्तों। ये देखिए ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।